नमस्कार, आप देख रहे हो दितराज न्यूज। आज की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूँ पिंकी। आइए डालते हैं नजर आज की कुछ खास खबरों पर। बताइए अपना। मैं रीना वाल्मीकि, आगे रहने वाले शांति नगर जेल चुंगी की। आज यहाँ एसएसपी कार्यालय आए हैं, क्या मामला है? सर, मैंने सुशील सोनकर जो आएंगे हमारे यहाँ पे पार्षद रह चुके हैं। वार्ड क्या है? वार्ड तो एक वार्ड है। कहाँ का? जेल चुंगी शांति नगर का। क्या कराया? उन्होंने सर मेरा लोन कराया था 35 लाख रुपए का, तो सर उन्होंने मेरे 10 लाख रुपए खा चुके और 3.5 लाख रुपए उन्होंने मेरे से लोन कराने से पहले लिए थे कि लोन में ये खर्चा आएगा, तो मैंने किसी से ब्याज पे लेके उनको 3.5 लाख रुपए दिए। तो उसके बाद मैं उन्होंने मेरा जैसा लोन कराया तो थोड़े थोड़े करके उन्होंने मैनेजर से उनकी जाट काट दी, उन्होंने पैसे निकाल लिए। तो उन्होंने 10 लाख रुपये जैसे मेरे लिए, तो मैं वहाँ पे उनसे पूछने के लिए गई कि मैंने कहा सुशील जी आप मेरे पैसे दे दीजिए, मेरा काम रुक चुका है मकान का। उन्होंने मुझे बोला कि शाम को आना आप घर पे, तो मैं शाम को अपने बच्चे को लेके उनसे पूछने के लिए गई, तो उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की, मेरे कपड़े फाड़े, मेरे नाजुक अंग को छेड़ा। और फिर लोग भी उनके साथ शामिल थे? हाँ जी, उनका भाई था 29, और उन्होंने एक महिला को पीछे से बुलाया, कह रहे उसे पिंकी को बुलाओ और वो इसे ठीक करेगी आके। उसने भी मुझे पीछे से पकड़ा। संबंधित थाने में आपने इसकी रिपोर्ट दर्ज की? हाँ जी, मैं जनकपुरी थाने में गई थी, तो उन्होंने मेरे लिए कोई कार्रवाई नहीं की। तो जो मैं पूछने के लिए गई तो उन्होंने मेरे को कोतवाल साहब ने वहाँ से भगाया कि अभी हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, तुम यहाँ क्यों आ जाती हो बार बार ये करने के लिए। तो अभी मैं यहाँ पे आई हूँ। हाँ जी, वो सब करा के दिया है मैंने उनको। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं की। अब यहाँ एसएसपी साहब का क्या आश्वासन? यहाँ पे बस मैं यही दरखास्त करती हूँ कि मुझे अन्याय मिले और मेरी दरखास्त कबूल कीजिए, बस न्याय मिले। जी, आपका नाम? संगीता वाल्मीकि। किस मामले को लेकर आज आप कप्तान साहब के यहाँ? कप्तान साहब के साथ मुलाकात करने इस मामले को लेकर आए कि इस महिला के साथ, हमारी वाल्मीकि समाज की महिला के साथ जो अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न हो रहा है, उस मामले में कप्तान साहब से मिलने की हमें ज़रूरत पड़ी। और जनकपुरी थाने ने भी कोई सहयोग नहीं दिया, जबकि महिला विधवा है और एक विधवा के साथ दमनगणों ने ऐसी हरकत की है, ऐसा घिनौना जो हम बता नहीं सकते आपको, ऐसा बर्ताव किया है जो निंदनीय है। आप ये बताइए, अगर मीडिया भी हमारा साथ नहीं देगा, प्रशासन हमारा, सरकार हमारी, तब भी हमारे महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारी गुहार हमारे कप्तान साहब से यही होगी कि इस महिला को, इस निर्दोष और विधवा महिला को जिसके 4 बच्चे हैं, इसको निर्दोष साबित करने के लिए कप्तान साहब के सामने इसे समक्ष पेश किया जाए। कौन लोग हैं जिन्होंने इनके साथ ये किया? जी, आपका नाम? मैं रीना वाल्मीकि। जी, क्या मामला हुआ है आपके साथ? सर, मेरा उनके यहाँ पे आना जाना था, मेरे पति के उनसे ऋण से संबंध थे। किसका आना जाना था, कौन लोग? ये सुशील पार्षद रहे हुए हैं वहाँ पे खटीक, सुशील सोनकर। कौन से वार्ड के? ये वार्ड तो मुझे पता नहीं, चल चुंगी बोलते हैं, शांति नगर। हाँ जी, तो क्या मामला हुआ था? तो सर, उन्होंने हमारे घर पे उनके आना जाना लगा रहता था, मेरे पति की 6 सालों की डेथ हो चुकी, उसके बाद भी उनका आना जाना लगा रहा। तो मैं 12 साल से किराए पे रहती हूँ, तो उन्होंने आके मेरे को बोला कि भाभी तुम कब तक किराए पे रहोगे, मैं आपका लोन करा देता हूँ, मकान दिलवा दूँगा मैं आपको। तो उन्होंने मेरा 35 लाख का लोन कराया और 10 लाख रुपये मेरे उन्होंने हड़प लिए। और जो मैं उनसे मांगने के लिए उनके घर पर गई और 3.5 लाख रुपये। दितराज न्यूज, सब पर नजर, सबकी खबर।